वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट बाइजूज गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आपका स्वागत है वेलकम टू द लेक्चर ऑन दिस डे इन हिस्ट्री इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन सारे महत्वपूर्ण घटनाओं को जो आज के दिन यानी कि 14 मार्च को घटित हुई थी वी शैल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड फैक्ट्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स फॉलोड बाय बाई समैक्टिस क्वेश्चन लेक्चर बेस्ड ऑन टूडेज डिस्कशन तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिगिनिंग विथ एटीन सेवेंटी नाइन द फेमस थियोरिटिकल फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉन प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था आइंस्टाइन एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी है जिन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया ही इज अ थ्योरेटिकल फिजिक्सिस्ट हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही इज वाइडली पॉपुलर फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस फार्मूला Einstein was awarded Nobel Prize in physics for his services to the theoretical physics and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect which was a vital step in the development of quantum theory. The photoelectric effect is a phenomenon in which electrons are emitted from the surface of the matter that is usually metals when light shines on it. फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह यानी कि सरफेस से उत्सर्जित होता है जब प्रकाश उस पर चमकता है आइंस्टाइन एक्सप्लेन द इफेक्ट बाय प्रपोजिंग दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज फोटॉन्स, व्हिच कैरी एनर्जी दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द बेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस, सिंथिस नेटवर्क्स, नेटवर्क सोलार सेल्स इमेजिंग एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस ही अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1921। वन अप्रैल 1955 में इनका निधन हो गया जब इनकी मृत्यु हुई तब ये 76 इयर्स के थे आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की ओर जो हमारी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है वो है 1883 जर्मन फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट कार्ल मार्क्स डाइड जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और राजनीतिक सिद्धांतकार कार्ल मार्क्स का निधन हो गया ऑन द फोर्टीन मार्च 1883 कार्ल मार्क्स द जर्मन फिलोसोफर and the founder of politico-economic theory known as Marxism, died in London at the age of 64. Inka janm Adunik Germany ke ek shahir, Trier mein hua tha. Inka janm hai, 5 May, He went to the University of Bonn at the age of 17 to study law on his father's demand, although he was more inclined to philosophy and literature. मार्क्स वहां कुछ विवादों में शामिल हो गए और बर्लिन विश्वविद्यालय में स्थानांतर हो गए ग्रुप कॉल्डेलियम्पलीटेड हिस्स डॉक्टोरियल थी वॉज अवारी बाई द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना दिस यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल दैन द बर्लिन यूनिवर्सिटी उन्हें सहयोगियों के साथ राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा माना जाता था रिलीजियन दैट क्लास स्ट्रगल लाइज इन द रूट ऑफ सोशल चेंज उन्होंने ये कहा कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन की जड़ में निहित है He also talked about the proletariat that is the industrial working class that would rise in revolution against capitalism. He urged the need for universal suffrage. उन्होंने He along with Friedrich Engels wrote the Communist Manifesto in the year 1848 which is still influential. ऑल्सो फॉर्म न्यू पोलिटिकल सोसायटी नोन एज द कम्युनिस्ट लीग अब बात करते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में लंडन में पब्लिश किया गया था बाई अ ग्रुप ऑफ जर्मन बॉन्ड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट नोन एज द कम्युनिस्ट लीग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है इट इज अ पोलिटिकल डॉक्यूमेंट बाई द जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंजलिस इसे बाद में दुनिया के सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स में से एक के रूप में मान्यता दी गई। इट एन एनालिटिकल टू द द क्लास स्ट्रगल एंड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ़ कैपिटलिज्म द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ये समाज और राजनीति के प्रकृति से संबंधित मार्क्स और एंजल्स के सिद्धांत का सारांश देता है अनादर ऑफ मार्क्स फेमस वर्क इज दास कैपिटल दिस बुक टॉक्स अबाउट इकोनोमी पॉलिटिक्स एंड मटीरियलिस्टिक फिलोसफी मार्क्स एक्सटेंसिव वर्क ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी आज ही के दिन 1883 में इनकी मृत्यु हो गई आगे बढ़ते है अगले इवेंट की ओर जो है नाइनटीन थर्टी वन आलम आरा इंडिया फर्स्ट टॉकिंग फिल्म वॉज रिलीज भारत की पहली टॉकिंग यानी कि सवाक फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी आलम आरा विच मीनमेंट ऑफ द वर्ल्ड, फिल्म आलम आरा एक राजकुमार और बंजारन लड़की की प्रेम कथा है ये जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक पर आधारित भी है ईरानी ने सिनेमा में ध्वनि के महत्व को समझते हुए आलम आरा को और कई समकालीन सवाक फिल्मों से पहले पूरा किया था आलम आरा का प्रथम प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में 14 मार्च 1931 में किया गया था इट मेड इट्स डेब्यू एट द मैजिस्टिक सिनेमा इन मुंबई ऑन द फोर्टींथ ऑफ मार्च 1931। ये पहली भारतीय सवाक मूवी इतनी लोकप्रिय हुई कि पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सहायता बुलानी पड़ी थी This movie was advertised with the tagline all living, breathing, and hundred percent talking." इसी के साथ साथ इंडियन सिनेमा के बारे में एक दो और फैक्ट्स जान लेते हैं। राजा हरिश was the first Indian film and it was released in 1913. Please note that this was a silent film. Kisan Kanya फर्स्ट कलर फिल्म एंड वॉज रिलीज इन दर नाइनटीन थर्टी सेवन और एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा की दूवी ताल बिकेम दर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवी टू बी इंश्योर्ड नाउ लेटसुक नेक्स्ट टॉपिक फॉर टूडे विच इज नाइनटीन सेवनटी टू फेमस एक्टिव फ्रॉम मणिपुर इरोम चानू शर्मिलान मणिपुर के मशहूर कार्यकर्ता इरोम चानू शर्मिला का जन्म हुआ था Irom Chanu Sharmila, also known as the Iron Lady of Manipur or Min Gobi, is a civil rights activist from the state of Manipur. She is known for her hunger strike against Armed Forces Special Powers Act, also known as AFSPA. She became the icon of public resistance. In Kajan, Manipur Mehuatha. The state had suffered with insurgency for decades, with thousands of people killed due to political violence. In the year 1958, the Indian government passed a law, which is the Armed Forces Special Powers Act. This applied to just the seven northeastern states and granted security forces the power to search properties without a warrant, to arrest people, एंड टू यूज डेडली फोर्स इफ देर इज रीजनेबल सस्पेशन दर्सन इज एक्टिंग स्टेट पांच नोव दो हजार सशस्त्र बल विदेश अधिकार अधिनियम यानी आफ्सपा को समाप्त करने के पक्ष में भूख हड़ताल शुरू की शी बिगैन हर फास्ट इन मैलोम ऑन फिफ्थ नोवर एंड वोव नॉट टू ईट Drink or comb her hair or also look into the mirror until Afspa was repealed. Just three days after she began her fast, she was arrested by the police and charged with an attempt to commit suicide, which was unlawful under the Indian Penal Code at that point in time. उन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 साल तक भूख हड़ताल जारी रखी और 16 साल के उपवास के बाद 9 अगस्त 2016 को अनशन समाप्त किया Having refused food and water मोर देन than 500 वीक्स शी was nasally फोर्स फेड इन जेल शी has been कॉल्ड द world's लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइकर इन the, the Asian Human Rights Commission and also अचीवमेंट the ह्यूमन Iron लेडी ऑफ Manipur. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की और जो है 2018, यानी कि 2018, अ फेमस थियोरेटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफेन हॉकिंग पासड अवे एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग का निधन हो गया Stephen Hawking is an English theoretical physicist, cosmologist, and author who was director of research at the Center of Theoretical Cosmology at the University of Cambridge at the time of his death. In Katjan huata Oxford, May, into a family of doctors. He was born on the 8th of January, 1942. 1966 में इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स और थियोरिटिकल फिजिक्स में पीएचडी प्राप्त की इनका स्पेशलाइजेशन था जनरल रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज डायग्नोस्ड विद एन अर्ली ऑनसेट ऑफ स्लो प्रोग्रेसिंग फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन डिसीज यही उनके पैरालिसिस का कारण बना After the loss of his speech he started using a speech generating device to communicate Hawking was the first to set out the theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. He is also known for his theoretical prediction that black holes emit radiation often called as Hawking radiation. Hawking radiation is a blackbody radiation that is predicted to be released by black holes due to quantum effects near the black hole event horizon. स्टीफन हॉकिंग्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के रेसिपियंट है जो यूनाइटेड स्टेट्स का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इनके द्वारा लिखा गया बुक का नाम है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम विच इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉस्मोलॉजी 1991 में इसी नाम का एक मूवी भी बनाया गया था द फिल्म इज अ बायोग्राफी ऑफ स्टीफन हॉकिंग 14 मार्च 2018 में इनका निधन हो गया अब डिस्कस करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्लीज नोट दैट ऑल दीज क्वेश्स विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस दिक्सक अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए सारे क्वेश्चंस के जवाब देने का कोशिश जरूर करिए प्लीज राइट द करेक्ट आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर वन द मूवी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच ऑफ दीज फेमस साइंटिस्ट ऑप्शन ए एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन सी माइकल या ऑप्शन टू कार्ल मार्क्स किस विश्वविद्यालय ने कार्ल मार्क्स को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी से सम्मानित किया ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ जेना ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन या ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज हॉकिंग रेडिएशन हॉकिंग विकिरण क्या है ऑप्शन ए रेडिएशन फ्रॉम द ब्लैक होल यानी कि ब्लैक होल से विकिरण ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरण ऑप्शन सी रेडियो एक्टिव रेडिएशन यानी कि रेडियोधर्मी विकिरण या ऑप्शन डी सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण

ऑप्शन बी मेरी कॉम ऑप्शन सी अनुराधा देवी थॉकचोम या ऑप्शन डी इरोम चानू शर्मिला प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हिच वाज द फर्स्ट एवर बॉलीवुड फिल्म टू बी इंश्योर्ड किस बॉलीवुड फिल्म का पहली बार बीमा किया गया ऑप्शन ए देवदास ऑप्शन बी ताल ऑप्शन सी हंसते आंसू या ऑप्शन डी मुगले आजम विद दिस क्वेश्चन वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस डिस्कशन मैं उम्मीद करती हूं कि इस डिस्कशन से आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला हो इफ यू डू लाइक दिस सेशन इस वीडियो को लाइक करें और अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें कल फिर से मुलाकात होगी विद मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन थैंक यू फॉर वाचिंग